आज देश भर में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजार में राखी से लेकर इस अवसर पर दिए जाने वाले उपहारों की धूम मची हुई है। लोग खरीदारी भी बखूबी कर रहे हैं। इस बीच जिला प्रशासन की पहल पर रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर स्थानीय उत्पादों को से बनी राखियों भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। बता दें कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बाजारों में स्टोर लगाकर राखियाँ बेची जा रही हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भोजपत्र, एप्पड़, वैजयंती माला, पिरुल, तुलसी और अन्य चीजों से बनी राखियां तैयार की हैं। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। तुलसी के जो दाने हैं उनसे रक्षाबंधन बनाई गई और विशेष रूप से भोजपत्र का प्रयोग करके रक्षाबंधन बनाया गया, जिसको लोगों ने काफी पसंद किया। उसकी मार्केट देने के लिए हम लोगों ने प्रयास किए, अलग अलग जगह स्टॉल लगाए गए हैं और अभी तक जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और काफ़ी मात्रा में ये राखियाँ लोगों ने पसंद की। छोटे छोटे आउटलेट और दुकानें हैं, जैसे सिमली में है, वहाँ पर इनको जो है विक्रय किया जा रहा है। तो इन राखियों से इनकी बिक्री से जो है आर्थिक रूप से हमारी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो एक तो सशक्त हो रही हैं, साथ साथ उनको आर्थिक रूप से वो मजबूत भी हो रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से जो है लाभ हो रहा है।